नमस्कार, हम वाणीजीत कुमार और सुचालू कर दलवन भैया निस्तक भोजपुरी देखे। तो आज हम बात करम एगो भोजपुरी सिनेमा जना फिल्म का नाम बा कभी खुशी कभी गम। तो सच में कभी खुशी कभी गम ये अब टीवी पर जाए वाला बा, यानी वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर में जाए वाला बा। तो बताएं कब कहाँ कैसे फिल्म देख पाए, कहें कि फिल्म कुछ ही दिन भैया उनका कला सिनेमा हॉल में रिलीज भे रहा है, लेकिन उतना ही ओपनिंग मिलल हाँ जितना भोजपुरी के मेकर्स लोग अपन फिल्म से अपेक्षा रखे रह जाए। तो सच में कभी खुशी कभी गम अब टीवी पर रिलीज होकर बता, बताएं कब कहाँ कैसे फिल्म को रोवा लोग देख पाए। चलिए सबको देखते जान खाते वो काम करे, चैनल बनाए बानी सब्सक्राइब लाइक कमेंट सब कुछ कर दी। चलिए मेरे वीडियो को चालू कर लिया, जो ना फिल्म का नाम बा कभी खुशी कभी गम। तो भैया कभी खुशी कभी गम दरअसल एगो कभी खुशी कभी गम एगो पारिवारिक टाइप के फिल्म है, लेकिन पारिवारिक भी अजीब टाइप के बा। मतलब पारिवारिक भी अजीब बाटे में सौतन लड़का ये भोजपुरी सिनेमा के लगा था कि मुख्य कंसेप्ट हो। सच बताओ तो नहीं, भोजपुरी सिनेमा के मुख्य कंसेप्ट हो बा कि हीरोइन के लड़के नहीं खेल। हाँ, हीरो से शादी हो जाते हीरोइन के लड़के नहीं खेल। मतलब हिपोक्रेसी के सारा सीमा बाटे, ये अपन सच्चाई बताओ तरन जा या मौजूदा समय के सच्चाई बताओ तरन जा, हमको समझ में ही नहीं क्या ना, या इंडस्ट्रीज का अपन खुद के ही सच्चाई बताओ तरन जा। दरअसल फिल्म की कहानी बाटे थोड़ा सा बता देते हैं। फिल्म की कहानी बाटे कि कैसे चिंटू पांडे के प्यार होता अमरपाली से। अब सोचो अमरपाली चाची से चिंटू पांडे के प्यार होता, गजब के हाल बाटे ना। अमरपाली चाची से चिंटू पांडे के प्यार होता, प्यार शादी में कन्वर्ट होता, शादी के 7-8 साल बीत जाता अमरपाली जी के लड़के नहीं हो। अब भाई कबो लोग करा पसक पड़ते रहें, कबो इनकरा पसक पड़ते रहें, 20 प्रकार के ताम झाम चलत अटे। हाँ, 20 प्रकार के ताम झाम चलत अटे। और बाद से कुछ ऐसा दिन होता कि यार का करे के बाद लैके बाद दूसर ब्याह कर दिया जला, बड़ा ताना बाना सुने के पड़ते। अमरपाली दुबे अपन सखी संचिता बनर्जी से चिंटू पांडे के ब्याह कर दे। अब सखी से ब्याह होत बटे, फिर घर में खुशी आवत अटे, फिर सबके झूमता गावता और एगो ऐसा मोड़ होता चिंटू पांडे सुनाओ तुरंत के हाँ फलनिया के लड़का हो खेलवा, हाँ और छोटकी बहू के लड़का हो खेलवा। अभी बात सुनते काजल रहा सॉरी अमरपाली दुबे किसी आ जाती और कह तरी कि तू हमार अभी ले सौखी रहे, लेकिन अब हो गए बड़े सौतन। अरे ब्याह कर बड़ू तो लोग उनकर लगे सुती बैठी ना, अब वो घर छोड़ के भाग जा तरी, इन्हें लड़का इनको रोके वा रहता, तबियत खराब हो तटे अस्पताल में जा तरी, बहुत दुख बीड़ा होत बा। अमरपाली दुबे तो घर छोड़ के ऐसे ही भाग रहती, फिर वो आओ तरी भगवान के पूजा कर दी, फिर हमारा लगा था कि लड़का फेंका हो तो फिर खुशी आ जात हो कि फिल्म का इस नए कुछ होखे वाला बाटे। तो फाइल फिल्म को जाके देख हम मन करी तो भैया टीवी पर। फिल्म का है कि निर्माता मान निशांत उज्ज्वल। निशांत उज्ज्वल एगो कमाल के निर्माता आदमी है, बेस्ट बढ़िया एक्टर एक्टिंग भी कर लो। अब आजकल एक्टिंग में कर नहीं नजर आते हो ना, बोलू चुनाव प्रचार में जाते रहो। अब बताओ निशांत भैया के चुनाव प्रचार से को लोग वोट दे दिए, को लोगों को वोट दिवा देने जाके कहो करें कि भैया हम निशांत उज्ज्वल हैं तो के चीन तटे यार इंडस्ट्री को लोग चीन तर जमीनी पर केकरा पता बने निशांत उज्ज्वल मन के ओकर मतलब का केव नहीं जाना। बाकी फिल्म के निर्देशन बढ़ल प्रिमांशु सिंह। प्रिमांशु सिंह अक्सर प्रतिपन्न चिंटू के लेके फिल्म करते रहो, तो अब प्रिमांशु सिंह के डायरेक्शन में देखो इनको काम गजबे बा और अजीबे बाटे। बाकी कहानी स्क्रीन प्ले संवाद नन्हे पांडे के बा, नन्हे पांडे भी फैमिली ड्रामा वाली कहानी एकदम से बखूबी तरीका से लिखा तरन बढ़िया बा। कहीं को अरविंद तिवारी भी अच्छा ही बड़ा, अब सोच रहे कि अरे हम नहीं के छाओ तो नहीं यार, बड़ा दुख वाली बात पहले हमरों के छावे के पड़ी, हमरों के छाही के पड़ी। बाकी फिल्म में देखिए स्टार कास्ट में तो प्रदीप चिंटू के प्यार अमरपाली दुबे के साथ का बात बा, देखने के बाद भी ना फील ना आई भाई, सच बताते नहीं फील ना आई। लेकिन फिर भी भोजपुरी मेकर्स लोग ये जगह का कहला गुरुपीजम का बहुत बड़का भाई बवाल बटे, थोड़ा सा नाम ये जगह कास्टिंग के नाम पर सुनना बटे ऐसा कौन मतलब रियलिटी बात बताते। बाकी संचिता बनर्जी के साथ तो जोड़ी प्रदीप मंडल चिंटू का अच्छा जमेला पहल के उनकर फिल्म से, और बाद से का मतलब कुणाल सिंह कमाल के रोल पे बढ़ल। बाकी पल्लवी कोहली बड़ी, दिव्यांश पांडे भी फिल्म में बढ़ल। बाकी फिल्म टीवी पर रिलीज हुई 31 मई के सांझी खाना 7 बजे रॉपचिक टीवी पर। तो रॉपचिक टीवी पर रॉपचिक अंदाज में फिल्म के देखम इंजॉय करम और निश्चित भोजपुरी भी देखी विभाग अंदाज में हर न्यूज ए जगह मिलेगा। बाकी राम जी।